हेमंत कनोरिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एसरी इंफ्रा से हैं। उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए और आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमंत सर, आपसे बेहतर शायद कोई कैलकुलेट अभी नहीं कर सकेगा कि इकोनॉमी में एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये 50 दिन पूरे होने के बाद और अगले 50 दिन, इस 50 दिन में बजट भी आएगा, इस 50 दिन में यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी वापस बोलने वाले हैं और इस 50 दिन में एक बार अर्निंग्स भी आ जाएगी जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बार मार्केट के हिसाब से भी दिया जा रहा है। आपका व्यू सर, 50 दिन कैसे रहे और 50 दिन कैसे रह सकते हैं? जी देखिए, अभी तो 50 दिन जो रहे हैं बिकॉज ये बहुत ही सडन एक्शन था गवर्नमेंट का, तो कोई भी इकोनॉमी में कंपनीज वगैरह कोई भी लोग प्रिपेयर्ड नहीं थी इसके लिए और ये सडनली गवर्नमेंट को करना था। इसमें प्लानिंग करके भी नहीं किया जा सकता, पहले अनाउंसमेंट कर भी नहीं सकते थे गवर्नमेंट, तो उनके भी कंस्ट्रेंट थे। तो इसी के कारण से ये जो अचानक अनाउंसमेंट हुआ है, इसके कारण से जो लोग कैश में डील कर रहे थे और काफी छोटे बिजनेसेस और एग्रीकल्चर में भी लोग कैश वगैरह में डील करते थे बिकॉज वो एक सिस्टम बन गया था अपने देश में इतने सालों से, तो इसी के एक बार में वो सिस्टम को से मूव करके डिजिटल में जाना और सब ई पेमेंट्स वगैरह में करना, तो थोड़ा समय तो लगता ही है। तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट किए थे कि इसमें ये समय वगैरह तो लगेगा और थोड़ा बहुत जो लोग वगैरह को मुश्किलें तो इसमें हुई है और बिजनेसेस भी डाउन हुए हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप बोलिए या जो भी एफएमसीजी गुड्स वगैरह में है, स्टील सीमेंट सभी तरह सब इंडस्ट्रीज को एक बार तो इफेक्ट हुआ ही है। लेकिन हमें लगता है कि गवर्नमेंट जो एक्शन प्लान वगैरह वो बता रहे थे कि 30 दिन 50 दिन होने के बाद 30 दिसंबर के बाद कुछ और भी प्लान्स वगैरह वो अनाउंस करेंगे, तो हमें डेफिनेटली लगता है कि कुछ प्लान्स गवर्नमेंट के माइंड में है जिसके कारण से जो भी अभी लॉस हुआ है 2-3% का जीडीपी का, तो वो वापस हम लोग गेन कर पाएंगे मार्च तक में। और इंटेंसली गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स के प्लान हो या और भी कोई प्लान्स हैं तो अब देखें प्रधानमंत्री डेफिनेटली वो सब अनाउंस करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट इसको सोच समझ कर ही ये इस तरह के स्कीम को लॉन्च किए होंगे, तो वही सबका एक्सपेक्टेशन है। अब देखें गवर्नमेंट किस तरह से अनाउंस करते हैं, अभी तो इफेक्ट तो हुआ ही है, ये 50 दिन में बिजनेस वगैरह में सब जगह इफेक्ट हुआ है, लोग को असुविधाएं भी हुई हैं इसमें क्योंकि अचानक के लिए सिस्टम में जो रह रहे हैं कैश सिस्टम को अचानक चेंज करना तो डिफिकल्ट रहता ही है। तो प्रधानमंत्री साहब पहले ही बोले थे कि कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज वगैरह होंगे, तो अभी सब डिफिकल्टीज को सब फेस किए 50 डेज में। अब सब लोग होप दिए हुए हैं कि अब नेक्स्ट 50 डेज और गोइंग फॉरवर्ड अप टू मार्च जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सकें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ मिस्टर वेणुगोपाल धूत भी मौजूद हैं, सीएमडी वीडियो कॉन के। मिस्टर धूत नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सीधा सीधा नोटबंदी का इम्पैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऊपर आता दिखाई पड़ा था, लेकिन 50 दिन अब पूरे हो चुके हैं, सिचुएशन कितनी ईज आउट हुई है पिछले 50 दिनों के बाद? देखिए प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही कह दिया था कि स्वच्छ भारत करना है और स्वच्छ भारत करते टाइम जो ग्रीन इंडिया का नारा उन्होंने लगाया उसमें वो सब काम कर रहे हैं और इसका फायदा बहुत अच्छा हो रहा है। तो उन्होंने खाली ये डिमोनेटाइजेशन नहीं, काफी ग्रीन इंडिया के काम किए, इसमें डिमोनेटाइजेशन की आज बात हो रही है। डिमोनेटाइजेशन से फायदा ये है कि सिस्टम पूरा क्लीन हो जाएगा। हाँ ये बात जरूर है कि 50 दिन के लिए थोड़ी लोगों को तकलीफ हुई, लाइन में खड़ा होना पड़ा, कुछ लोगों को बिजनेस के लिए पैसे नहीं मिल पाए, कंज्यूमर ड्यूरेबल और दूसरी जितनी भी चीजें हैं वो थोड़े दिन तक थोड़ी रुकाव रुक के बिकी, पर आज आप देखिए जनवरी में जो माल जो नहीं बिका था पहले वो अब जनवरी में बिक जाएगा और इस प्रकार से जो कुछ हुआ था वो सब जनवरी में भूल जाएंगे और जनवरी में लोग बहुत खुशी से कहेंगे ये बहुत अच्छा काम हुआ। और इसका और एक नतीजा देखिए कि विदेशों में सब जगह बहुत इसकी तारीफ हो रही है, बहुत लोग प्रेज कर रहे हैं कि ऐसा कदम भी इंडिया में लिया जा सकता है और ग्रीन इंडिया होने के कारण हम भी यूरोप जैसे हमारे यहाँ भी हमारा पूरा सिस्टम बन जाएगा काम का और ऑनलाइन पेमेंट ये वो सब होने से यहाँ एक अच्छी आदत लोगों को लग जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे जाके बहुत अच्छा, और आप एक साल बाद देखेंगे शुरू में थोड़ी थोड़ी और तकलीफ रहेगी पर एक साल बाद आप देखेंगे तो जीडीपी इस खाली एक कदम के कारण 2% से बढ़ जाएगा और लोगों को काम करने में मजा भी आएगा और विश्वास भी रहेगा सब जगह, तो एक बहुत अच्छी चीज हो चुकी है।